जय महाकाल। इन पांच को खिलाएंगे खाना तो कभी नहीं आएगी गरीबी। चींटियों को शक्कर। यदि आप कर्ज बढ़ता जा रहा है, लाख कोशिश के बाद भी कर्ज उतर नहीं रहा है, तो चींटियों को नियमित शक्कर डालने से जल्द कर्ज का मुक्ति का रास्ता बनता है। पक्षी को दाना। आर्थिक परेशानी दूर करने के लिए पक्षियों को नियमित दाना डालने से सबसे सटीक उपाय है। इससे व्यवसाय व्यापार करने वालों को भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। जो लोग अपने बिजनेस में विस्तार चाहते हैं, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। पक्षियों को चावल, गेहूं, दाल आदि अनाज खिलाया जा सकता है। मछली को दाना। मछलियों को दाना डालना प्रमुख ज्योतिषीय उपायों में से एक है। जिन लोगों की पैतृक संपत्ति उनके हाथ से निकल गई है या कोई मूल्यवान वस्तु खो गई है, ऐसे लोग यदि प्रतिदिन मछली को आटे की गोलियां खिलाते हैं तो संपत्ति पुनः प्राप्त होने के योग बनते हैं। इस उपाय को करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह दोष नष्ट हो जाते हैं। गाय को रोटी। हिंदू धर्म का गाय को देवी और माँ का दर्जा दिया गया है। यह मनुष्य के लिए पूजने और पवित्र है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से गाय को रोटी खिलाए तो उसकी कुंडली के ग्रह दोष नष्ट हो जाते हैं। कोई ग्रह ज्यादा पीड़ा दे रहा है, जिसके कारण सुखों का अभाव है, तो गाय की नियमित सेवा करें, इससे सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। कुत्ते को रोटी। यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे हो, संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा हो, तो प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाते से शत्रु का भय समाप्त होता है। कुछ ही दिनों में शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने लग जाएंगे। साथ ही संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद का हल भी निकल आएगा।